नमस्कार स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे आदर्श गैस के प्रसार हेतु कार्य ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा और एंथैल्पी की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू क्यू डी ई और डी एच फॉर एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस। सबसे पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, समतापी प्रसार। इसमें अपन को निकालना है W यानी कि कार्य की गणना करनी है। तो वर्क होता है W इक्वल टू PdV, ठीक है। तो अगर अपन इसमें कार्य में थोड़ा सा अंतर करेंगे तो वो आएगा डेल W इज इक्वल टू, तो दाब में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा जो कि अपन टोटल प्रेशर में से घटाएंगे, तो ब्रैकेट में आएगा P माइनस dP और बाहर आता है अपने dV। अब अगर दाब में अति सूक्ष्म परिवर्तन है तो उसे संपूर्ण प्रेशर के बराबर मान लिया जाता है, यानी P माइनस dP को अपन इक्वल किसके मान लेंगे, प्रेशर के इक्वल मान लेंगे। तो dW किसके बराबर हो जाएगा, PdV के बराबर हो जाएगा, जैसा कि अपन सभी जानते हैं। अब क्योंकि PV इक्वल टू nRT होता है, nRT अगर अपन आदर्श गैस समीकरण देखें तो क्या होती है अपनी PV इक्वल टू nRT होती है, यानी प्रेशर वैल्यूम प्रेशर इनटू वॉल्यूम किसके बराबर होता है, गैस के मोल की संख्या इनटू गैस स्थिरांक इनटू टेम्परेचर के गुणनफल के बराबर होता है। और अगर अपन ने एक मोल गैस ले रखी है तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT, और P इज इक्वल क्या हो जाएगा, RT अपॉन VK। तो dW इज इक्वल टू क्या होता है, RT log किसका लेंगे अपन, dV अपॉन, इस तरीके से ये होगा। तो अगर अपन dW का इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं किसे, V1 आयतन से V2 लिमिट के बीच में, तो क्या आ जाएगा, RT, और फिर समाकलन होगा dV अपॉन V का, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू ln V2 बाय V1। अगर अपन इसे log 10 की वैल्यू में अगर अपन लिखते हैं तो W 2.303 से इंटू करेंगे तो W इज इक्वल टू 2.303 RT log V2 बाय V1। तो ये आ गया अपना कार्य। अब है आदर्श गैस हेतु P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। तो यहाँ पर अपन जो बॉक्स के अंदर जो अपना फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें V2 बाय V1 को अपन किससे, V2 बाय V1 को अपन P1 बाय P2 से भी अपन रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्य बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2.303 RT log। अगर अपने पास वॉल्यूम दे रखा है न्यूमेरिकल्स में तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर अपने पास प्रेशर दे रखा है तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। ध्यान रखिएगा V2 बाय V1 होता है, लेकिन प्रेशर के संदर्भ में ये P1 बाय P2 होगा। उसके बाद है डेल्टा E इक्वल टू, यानी कि समतापी प्रक्रम है, यानी dT इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो dE क्या हो जाएगा, अपने 0 हो जाएगा, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी 0 होगा। अब Q के लिए अपन को देखना है, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। अगर डेल्टा E अपने ऊपर निकाला है, डेल्टा E यहाँ पर 0 आया है, तो Q किसके बराबर हो जाएगा, W के। और W का फॉर्मूला भी अपन ने निकाला था प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के संदर्भ में, यानी कि 2.303 RT log V2 by V1, और प्रेशर के पदों में क्या है, 2.303 RT log P1 by P2। लास्ट है अपनी एंथैल्पी। एंथैल्पी होती है H इज इक्वल टू E प्लस PV, यानी एंथैल्पी बराबर होती है आंतरिक ऊर्जा और गैस के द्वारा किए गए कार्य के। तो अगर अपन को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य पता है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, एंथैल्पी में परिवर्तन यानी कि डेल्टा H। तो PV यहाँ पर क्या होगा, RT के बराबर होगा, और डेल्टा E अभी अपन ने ऊपर निकाला था वो है 0, क्योंकि समतापी प्रक्रम है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू, हाँ, E की जगह 0 वैल्यू रख दी और RT की जगह R डेल्टा T, और डेल्टा T भी यहाँ पर 0 होगा क्योंकि समतापी प्रक्रम है, तो ताप में परिवर्तन कुछ भी नहीं है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल्टा H भी क्या आ जाएगा, डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन होगा 0, यानी कि आदर्श गैस के प्रसार में
आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है? जीरो। और यानी कि ग्रहण की गई ऊष्मा जो होती है वो पूरी तरीके से कार्य के रूप में बदल जाती है, जो कि है W इज इक्वल टू 2.303 लॉग RT लॉग V2 बाय V1 या फिर P1 बाय P2। ये तो किसमें था? समतापी प्रसार के अंदर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर। अब नेक्स्ट है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, यानी कि रुधोष्म प्रसार में अपन इसको किस तरीके से देखेंगे। तो रुधोष्म प्रसार में है CV इज इक्वल टू DE बाई DT और ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है आपके V। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था, अगर ब्रैकेट के बाहर राइट साइड में बॉटम में कोई भी आपके लिखा हुआ है, जैसे इसमें V लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या होगा? आइसोकोरिक, यानी कि सम आयतनी प्रक्रम होगा। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? डेल्टा ई, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, जो कि है CV इज इक्वल टू DE अपॉन DT, जो कि एक आइसोकोरिक प्रक्रम है, यानी कि DE क्या हो गया? CV DT हो गया। तो डेल्टा ई अगर अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? CV डेल्टा टी, यानी डेल्टा ई इज इक्वल टू CV और ताप में परिवर्तन, यानी कि T2 माइनस T1। सेकेंड अपन निकालते हैं क्यू, जो कि रुधोष्म प्रक्रम है, तो क्या हो जाएगा? ऊष्मा में परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा, या फिर ऊष्मा ग्रहण नहीं की जाएगी, निकाय और परिपार्श्विक के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जीरो। थर्ड है डब्ल्यू, डब्ल्यू अपन निकालेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, यानी कि क्यू इज इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू, यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस W। Q यहाँ पर है अपने जीरो, अपन ने अभी ऊपर देखा था, तो डेल्टा E किसके बराबर हो जाएगा? माइनस W के। और डेल्टा E अपन ने अभी निकाला था CV ब्रैकेट में T2 माइनस T1, यानी कि कार्य क्या हो जाएगा रुधोष्म प्रसार के अंदर? W इज इक्वल टू माइनस CV डेल्टा T, या फिर अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा T को T2 माइनस T1 के पद में भी लिख सकते हैं। तो W बराबर माइनस CV T2 माइनस T1। फिर इसके बाद आता है डेल्टा एच, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन अगर अपन देखें तो डेल्टा एच इज इक्वल टू ई प्लस PV। ये अपना एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है। डेल्टा ई अपन ने यहाँ पर अभी निकाला ही है, CV T2 माइनस T1, और PV की जगह अपन RT भी रख सकते हैं। आदर्श गैस समीकरण के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल टू NRT, और अगर N क्या है यहाँ पर? मोल की संख्या, गैस के मोल की संख्या, जो कि अगर अपन ने एक ली है तो PV किसके बराबर हो जाएगा? RT के बराबर। तो P डेल्टा V की जगह अपन P डेल्टा T भी लिख सकते हैं। तो एंथैल्पी यहाँ पर हो गई, डेल्टा T कॉमन ले लिया है तो अंदर आ गया है CV प्लस R, तो CV प्लस R को अपन CP भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा H इज इक्वल टू CP डेल्टा T, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन अपने आ गया CP ब्रैकेट में T2 माइनस T1। तो ये अपन ने देखा आदर्श गैस हेतु कार्य ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी की गणना करते हैं अपन को, और दो प्रक्रम अपन ने लिए। पहला लिया अपन ने आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि समतापी प्रक्रम, और दूसरा लिया अपन ने एडियाबेटिक प्रोसेस या फिर रुधोष्म प्रक्रम या फिर प्रसार। और दोनों के अंदर अपन ने क्या किया? कार्य यानी कि W, Q, E और H की वैल्यू ज्ञात की, चारों की इसमें कर रखी है और चारों की वैल्यू इसमें ज्ञात कर रखी है। समतापी प्रक्रम है क्योंकि, तो क्या होगा? टेम्परेचर जो है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, समान ताप रहेगा, यानी कि डेल्टा T हमेशा जीरो रहेगा। और नेक्स्ट क्या है? रुधोष्म प्रक्रम है, तो क्या होगा? इसमें निकाय और परिपार्श्व के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, यानी कि क्यू की वैल्यू जो है वो जीरो आएगी। और इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन? चारों के चारों आगे वाले जो है अपने पद निकाल लेंगे। तो समतापी प्रक्रम में W क्या आया? 2.303 RT log V2 by V1 या फिर 2.303 RT log P1 by P2। डेल्टा ई आया है यहाँ पर जीरो, क्यू आया है यहाँ पर डब्ल्यू के बराबर, और डेल्टा एच आया है यहाँ पर जीरो। और एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या आया? डेल्टा ई आया है यहाँ पर CV T2 माइनस T1, क्यू यहाँ पर जीरो होगा, इसलिए डब्ल्यू क्या होगा? माइनस ई के बराबर, यानी माइनस CV T2 माइनस T1, और डेल्टा एच क्या होगा? CP T2 माइनस T1। तो इस तरीके से ये था आदर्श गैस का प्रसार में, समतापी प्रसार और रुधोष्म प्रसार के अंदर अपन ने इसके चारों पदों की गणना की। नेक्स्ट इसके बाद
अपन अगली क्लासेस में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे. थैंक यू.